हादसे में एक की मौत तो वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल। गदरपुर क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गदरपुर के सूरजपुर में सड़क हादसे से एक 30 वर्षीय बाइक सवार महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। तो मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल रुद्रपुर भेज दिया। वह गंभीर रूप से घायल बाइक चालक व्यक्ति को गदरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि 30 वर्षीय मृतक महिला का नाम दीपा देवी है। वह घायल पति का नाम त्रिलोक चंद्र, जो कि बाजपुर के जोगीपुरा गांव में रहते हैं, तथा मृतक महिला के उसके पति के संग एक बेटा और एक बेटी है। इस दौरान गदरपुर के SI जगदीश चंद्र तिवारी ने कहा कि पति पत्नी रुद्रपुर से बाजपुर अपने घर की ओर बाइक से आ रहे थे। इस दौरान करीब 4 बजे गदरपुर के सूरजपुर में बाइक चालक अपना संतुलन खो बैठा, जिससे गाड़ी चलने से दोनों गिर गए। और जब तक महिला अपने आप को संभाल पाती, पीछे से तेज गति से आ रहे ट्रक ने महिला को कुचल कर मौके से फरार हो गया, जिससे मौके पर ही महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि महिला के पति गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल रुद्रपुर भेज दिया। तो वहीं गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को गदरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। 3:30 बजे के आसपास की बात है। एक महिला दीपा देवी, वाइफ ऑफ त्रिलोक चंद, ये निवासी जोगीपुरा के रहने वाले हैं, बाजपुर क्षेत्र के। ये रुद्रपुर किसी अपने रिश्तेदार के वहाँ से वापस आ रहे थे, तो सूरजपुर चीनी मिल तिराहे के पास एक इनका वाहन फिसल कर रोड पर गिर गया, जिसमें पीछे से तेज गति से आ रहे हैं ट्रक द्वारा इनके वाइफ जो दीपा देवी है, इनको कुचल दिया गया था। अब मौके पर पुलिस पहुंची, तो पुलिस के द्वारा महिला को अस्पताल लेकर जाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया और जिसका पंचनामा भरवा कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है।